अज थोनू सिखाऊंगा मैं आप अपने घर के बैंगन के पकौड़े किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, जो जो इस समान पैंता थोड़ा मैं सारा दसूँगा। चलो जी करते शुरू फिर, आप बैंगन के पकौड़े घर किस तरह बना सकते हैं। सब तो पहले आप बैंगन कटा वो थोड़ा मैं दसदा अपने किस तरह कट्टा बैंगन। आह देखो सब तो पहले अपने डंडी कट्टनी है, ये डंडी का भी आप पकौड़ा बनावे वो थोड़ा दसा आप किस तरह करना है। इसमें आप मिडल तो कट लो इस तरह ठीक है जी। तो इस तरह देखो तुम इसके चार पीस कर देने, इसते भी आप पकौड़े बनाए थोड़ा दसा भी किस तरह बनते हैं ठीक है जी। तो हम आ देखो इस तरह इसके दो पीस कर लेने, तीन कर लेने, तो आ सैड आ इस तरह आ लंबे लंबे पीस और तुम देख सकते हो आप इस तरह बैंगन कट लवेंगे ठीक है। इस साइज में इन्ना पतला होना चाहिए थोड़ा, देखो इस साइज बैंगन कटने तो बाद फिर आप बेसन घोलेंगे। बेसन के जो जो समान पैंता थोड़ा मैं दसदा, मैं इस दे विच पीसिया होया धनिया पा लिया, लाल मिर्च जिन्ना तुम तिखा करना चाहते हो अपने हिसाब नाल तुम पा सकते हैं ठीक है जी। थोड़ी जवैन लून टेस्ट अनुसार ते हल्दी, फिर आप इस दे विच पानी पा के इसनूं मिक्स कर लेंगे। अब तुम देख सकते हो अपना इन्ना क तुम पतला करना बेसन ठीक है। इस दे विच हुण आपां बैंगन पा देंगे, देखो मैं इस दे विच बैंगन पा दिते आ। इसनूं मिक्स कर देंगे विच ताकि अपने बैंगणा को सारा बेसन लग सके। उस तो बाद तुसी एक पैन दे विच तेल गर्म कर लेना, जो तेल अपना गर्म हो जाए बस फिर तुसी जो अपने बेसन च बैंगन लबेड़े अपने विच छड्डी जाने आ। देखो बस फिर एक दो मिनट बाद फिर तुम इन्हें थोड़ा हिला देना, इनकी साइड चेंज कर देनी है। अपने बर्न बन के बिल्कुल रेडी है, तो हम आप इन्हें बाहर कढ लवेंगे। बस सेम उसी तरह इन्हें छड्डी जाना अपने बिच। आ देखो देखा जी अज मैं किस तरह बनाए ने बैंगन के पकौड़े। हूँ आप इसके उपर थोड़ा जा चाट मसाला पा देंगे ठीक है, तो नाल इमली की चटनी हो बैंगन के पकौड़े हो। तुम भी अपने घर के इस तरह के बैंगन के पकौड़े बनाने की ट्राई करो, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो थोनों मेरी वीडियो किस तरह लगी कमेंट जरूर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा मेरा वीडियो देखने वास्ते, मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो के।